थप्पड़ मारा मुझे कुणाल भाई को। भाई सीन ऐसा मैटर हो चुका है, बहुत तगड़ा मैटर हो चुका है। मुझे आज ही के आज सारे फुल कलर बंदे चाहिए, मतलब जितने भी गली में कूचों में जहाँ भी बैठे हुए ना, सारे फुल कलर बंदे भाई एकत्रित हो जाए मेरे कमेंट सेक्शन में और अपनी हाजिरी लगा दे। मतलब मुझे पता चलना चाहिए कि सारे फुल कलर बंदे आए थे या नहीं आए थे। और तुम्हें पता है फुल कलर भाई की वीडियो में खाली फुल कलर बंदे होने चाहिए यहाँ पे, जितने भी फुल सही बंदे हैं भाई अभी निकल दो यहाँ से। तब भाई तुम मेरे काले चश्मे देख के समझ सकते हो कि मैटर कितना सीरियस होगा भाई। जैसे कि तुम सब लोग जानते हो कि मैंने पिछले एक दो साल से फुल कलर कम्युनिटी ज्वाइन कर रखी है, बट भाई आज ना मेरा भाई खून खोल उठा है। भाई तुम्हें पता है हमारे कबीले के सरदार भाई की भाई पिटाई हो चुकी है गोवा में बड़ी गंदी, थप्पड़ मारे मुझे भाई। अब हम चुप नहीं बैठेंगे भाई, हमें अपने फुल गलत भाई के लिए इंसाफ चाहिए। ना 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 भाई, ये बात नहीं होगी, ये बदमाशी होगी। भी अपना गुस्सा थाम लो, बदला लेंगे अपन, बदला लेंगे, लेकिन पहले अपने फुल गलत भाई की केस स्टडी तो कर ले भाई कि हुआ क्या है आखिर। फुल गलत, फुल गलत, फुल गलत। 3 hours later वीडियो बना पीछे से, वीडियो बना। क्या हो गया भाई, ये कैसी जगह पे घूम रहा था ये बंदा, जहाँ पे 3 घंटे में रात से कड़कती धूप हो गई यार। भाई ये फुल गलत भाई के अद्दे बद्दे कैसे मार रहे हैं भाई। भाई अपनी बख्शना भाई मंदो को भाई, मतलब अब दिल्ली गुड़गामा नोएडा के भाई सबसे तगड़े बदमाश को कॉल करना ही पड़ेगा भाई। हाँ डिफॉल्टर भाई, राम राम भाई, राम राम भाई। यहाँ बहुत तगड़ा मैटर हो गया कि अपने फुल गलत भाई के बंदे अद्दे बद्दे मार रहे हैं, उठा के ईटे वीटे बजा रहे हैं। 2 मिनट में आ गए, बस भाई जन, बस भाई जन जल्दी आ जाओ, बस यहीं खड़े हम, बस भाई जी जल्दी आ जाओ। डिफॉल्टर भाई आ रहे हैं भाई, डिफॉल्टर भाई आ रहे हैं भाई। अब नहीं बचा सकता कोई इनको यार। सबको पता था मैं कमजोर हूँ, मैं इसलिए निकल रहे निकल। भाई ये गोवा वाले हमसे बदतमीजी कर रहे हैं यार। फुल गलत भाई की आवाज में पता चल रहा है कितना दर्द है भाई, बहुत पिटाई हुई है लग रहा है। और वैसे भाई उन बंदों की बदतमीजी का तो नहीं पता, लेकिन भाई मुझे हवाबाजी दिखाता हूँ, वहाँ पे खाली एक ही बंदा दिख रहा था। मैं बताता फुल गलत भाई वो टेंशन क्यों ले रहा था, थप्पड़ मारे मुझे इसलिए। भाई मतलब फुल गलत भाई को उन बंदों ने इतना पीट दिया, फुल गलत भाई को समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ चले गए वो। अभी उन बंदों ने इनकी पिटाई करके इनको सीधा भेजा है। फुल गलत भाई कह रहे हैं कहाँ है वो, ओए कहाँ है वो बंदा, कहाँ है वो है? भाई वो बंदा पीछे है, तुम भाग रहे हो बच के। 4 थप्पड़ और खाने तो भाई चले जाओ वापस पीछे। कहाँ है हुए, कहाँ है हुए। हवाबाजी भाई खत्म नहीं होती बंदों की यार। फोन करूँ क्लब वाले कौन भाई, भाई क्लब वाला क्या करेगा यहाँ पे, क्या वो गाने वाने बजाएगा क्या? मतलब तुम लड़ाई कर रहे हो, गाने बजा रहा है, फुल माहौल वाहौल बन रहा है, मतलब माहौल बनाना है क्या तुम्हें लड़ाई करने से पहले? मेरे भाई आप गोवा से हो? गोवा से हो आप मुझे बताओ भाई, आप टूर सर ऐसा करते हो? तो नहीं किया ना सर, हम लोग भाई दारू पी के इस पे पिनक मत दौड़ो तुम कहीं, पहले ये भी वही कर दे जो उन बंदों ने किया था तुम्हारे साथ। गोवा आने की जरूरत नहीं है उसकी बैस की डेड। भाई फुल गलत भाई ने तो भाई 2 मिनट में गोवा के स्टॉक्स गिरा दिए भाई। क्या हुआ था, कट मार के जा रहे थे पैर के वहां से। हां तूने क्या बोला फिर? मैंने बोला कुछ नहीं बोला, मैंने बोला क्या हो गया, क्या किया, बोले। हाँ, तो भाई कुणाल भाई और धीरज भाई पे मुझे इतना तरस आ रहा है ना इस समय। मतलब भाई तो ये बंदा तो इतना प्यारा है भाई, इतना स्वीट है, मतलब ये क्या ही लड़ाई करेगा किसी से। कि वहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा था जो हवाबाजी दिखा रहा था और वो थे अपने फुल गलत भाई बेचारे, वो दोनों तो लड़ाई रुकवाने की कोशिश कर रहे थे। एक बेचारा कह रहा लड़ाई की मैं, छोड़ो यार एंजॉय करो ना, एंजॉय करो। एक बेचारा हाथ पैर जोड़ रहा है, फुल गलत भाई वो तो फुल गलत है। ऐसे कैसे सुन लेंगे भाई किसी की, नहीं मारेगा तू बंदे, बड़े मारेगा तू, मारेगा तू भाई, यूट्यूबर हूँ भाई, वीडियो बनाऊं, नहीं मारेगा के। A few moments later यार थप्पड़ मारे मुझे कुणाल भाई को। तू डर रहा था भाई, क्या हो गया था भाई? कुछ हम कहीं और हैं पहली बात। मेरे भाई प्रूफ नहीं यहाँ पे, प्रूफ क्या, वो फोन तोड़ कुछ भी कर देंगे भाई, वो देख रहा था चलाऊंगा नहीं, फोन तोड़ देगा वो, उसने फोन गिराने की कोशिश करी है, गिर गया उससे फोन। भाई वो बंदा तुम्हें लॉजिकल बात समझा रहा है कि भाई वो तुम्हें 4 चाटे मार के तुम्हारा फोन छीन के तोड़ दे तो तुम किसको दिखाओगे भाई, इसने 4 चाटे मारे थे। 4 चाटों का मैं तुम्हें खाली एग्जांपल दे रहा हूँ, जब लड़ाई होती है ना तो और भी कई चीजें हो जाती है। तो भाई तुम्हें सारी सिचुएशन देख के, तुम कहाँ पे खड़े हो, तुम किससे बात कर रहे हो भाई, वो सारी चीजें देख के ना, वो सब सोच समझ के तुम्हें ऐसी बातें करनी चाहिए। ये नहीं कि हर जगह मारेगा तू, मारेगा तू भाई आज के टाइम पे ना इतना बोलते बोलते 2 चाटे पड़ जाते मुंह पे, जैसा कि तुम देख ही सकते हो। लेकिन भाई फुल गलत भाई को तो लगता है कि उनका फोन सीधा नासा की सैटेलाइट से कनेक्टेड है, कि जैसे फुल गलत भाई अपने फोन का कैमरा ऑन करेंगे ना, वो सीधा नासा की सैटेलाइट से कनेक्ट होकर गोवा पुलिस में पहुंच जाएगी उनकी रिकॉर्डिंग, और वहां से सीधा सिंगम बचाने के लिए आएगा फुल गलत भाई को। और बल्कि फुल गलत भाई को एक दिन पहले चेतावनी भी दे दी थी बंदों ने कि भाई यहां का बंदा एड़ा है। क्यों ऐसा क्यों है यार,
इधर का आदमी एड़ा है, इधर का हाथ भी एड़ा है। बट भाई फुल गर्ल भाई को तो लगा मैं उनसे बड़ा एड़ा हूँ, तो फुल गर्ल भाई को उन्होंने पेड़े खिला दिए भाई बरबर के। और यही नहीं भाई, एक बात और सुनो फुल गर्ल भाई की, नॉट गोंस इस बुरी नजर से हमको देखते हैं भाई, कि फॉरेनर्स को जिस नजर से देखते हैं ना वो काफी अच्छा है, लोग हैं पीस फैलाते हैं, शांति से रहते हैं, जीते हैं, ठीक है मानता हूँ सही बात है यार, जीना ही पड़ता है, वैसे ज्यादा हल्ला करेंगे तो पिटेंगे नहीं वो यहाँ यार। थप्पड़ मारे मुझे कुणाल भाई को, हम तो अपना स्टेट, अपना बींग इंडियन स्टेट समझ के हम फुल हल्ला करते हैं कि हाँ अपना गोवा ही तो है यार। थप्पड़ मारे मुझे कुणाल भाई को, हो गया भाई अल्लाह, मतलब भाई इसको एक दिन पहले कितने हिंट मिले लेकिन फिर भी ये बंदा माना है नहीं। लड़ाई तेरी थी, थप्पड़ तेरे नहीं पड़ा, थप्पड़ मेरे पड़ा भाई। मैं तो भाई अफर भी तो तू ही रहा था, वो थोड़ी ना अफर रहा था उन बंदों से, वो बंदे की तो साफ साफ आवाज सुनाई दे रही कि वो लड़ाई दिखवाना चाह रहा है, उसे लड़ाई करनी नहीं थी। अरे मतलब अफर हो तुम, वो चाटा पड़ जाए तुम्हारा तो तुम बोल दो भाई मेरे क्यों चाटा पड़ा, मैं हाथ जोड़ रहा था, उसने बोला जाओ। ये बता मुझे डरता क्यों है भाई, तुम्हें क्या लग रहा है कि फुल गलत भाई चाटा खा के शांत बैठ जाएंगे भाई। फुल गलत भाई ने भाई इसके बाद एक ऐसी चीज करी, ऐसी चीज करी भाई, वो बंदे अपनी छाती के बाद नीचे लेट के ना फुल गलत भाई से माफी मांग रहे थे। और अगर तुम जानना चाहते हो ना कि फुल गलत भाई ने ऐसा क्या किया भाई, कल इस वीडियो का पार्ट 2 डाल दूंगा भाई, देख लेना।